हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंच के मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने इसको हिल्स पे चला के मुझे मिला, और इसका मैं आपको हिल्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस कार में क्या चीज़ें ऐसी आई जो मुझे पसंद आई और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस कार में अभी भी कमी है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ पंच की, अगर हिल्स में इसकी माइलेज, जैसे हमने अपने माइलेज टेस्ट में देखा, माइलेज काफ़ी अच्छी माइलेज निकाली है इस कार ने। जो चीज़ें इसमें कमी मुझे लगी हिल्स में, जो आपको भी फील होंगी, एक तो फील आपको होगी कि जब भी कभी आपको एक पावर की कमी, जब भी कभी आप कार ओवरटेक कर रहे हो, आपको ओवरटेक में स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप ओवरटेक कर रहे हो किसी भी कार को, स्पेशली इस एरिया में, तो आपको वो उतनी इनफ पावर नहीं मिलेगी। तो आपको बहुत ही ओवरटेक करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप पंच ड्राइव कर रहे हो हिल्स पे स्पेशली, बिकॉज आपको वो इंस्टेंट पावर नहीं मिलेगी। और ओवरटेक के समय आपको जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो आपको पावर आउटपुट ये गाड़ी नहीं दे पाएगी। तो ओवरटेक करते समय स्पेशली आपको ध्यान रखना है इसका। उसके अलावा बात करूँ गाड़ी की हैंडलिंग की, गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। आप जब भी इसको इसमें ड्राइव करोगे आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग देती है, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो आपके लिए बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी में कि इसकी हैंडलिंग इस कार की बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग जो इस कार में अच्छी है वो है इसके सस्पेंशन। आप ऑफ रोड पे एच में भी जाओगे तो आपको ऑफ रोड में भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको अनकंफर्ट हो रहा है। आप बहुत कंफर्टेबली राइड करते हैं, बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून किए गए कार में, तो आपको हमेशा एक कंफर्टेबल राइड मिलती है इस कार में। जो एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा आपको इस कार में है, एक और चीज़ जो आपको पंच ड्राइव करते समय फील होगी, बिकॉज इस कार में आपको गेयर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, बिकॉज कार का लो एंड टॉक थोड़ा कम है। तो आपको जब भी आप हिल्स में ड्राइव करोगे तो आपको गेयर फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करने पड़ते हैं इस कार में। तो ये एक पॉइंट है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि आपको कभी कभी, आपको स्पेशली जब गाड़ी चल रही है ऊपर, तो आपको कभी कभी पावर की कमी फील हो सकती है इस कार में। तो उसी के लिए इसमें गियर शिफ्टिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इस कार में जब भी आप इसको ड्राइव करोगे हिल्स में स्पेशली। एंड उसके अलावा गाड़ी की और कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई। एंड जितना भी मैंने इसको ड्राइव किया, अभी मैं इसको नारकंडा लेके गया, नारकंडा में हमने इसको थोड़ा ऑफ रोड में भी, ऑफ रोड पैच भी आया बीच में जिसमें हमने इसको ड्राइव किया, और वहाँ पर भी कार ने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करी। तो अभी हमारे इस ट्रिप में तो मुझे ऐसी और कोई प्रॉब्लम कार से नहीं फील हुई। बाकी कार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है जो मैंने ये ट्रिप करी है इसमें, बिकॉज हम तीन लोग थे इस ट्रिप में, लगेज हमारे पास तीन लोगों के हिसाब से लगेज था। तो इस ट्रिप में तो मैं बोलूँगा स्पेशली मुझे कार में ऐसी कोई इशू नहीं आया, अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स बताए हैं। इसके अलावा और कोई मेजर इशू ऐसा है नहीं कार में जो मैं आपको हाईलाइट करूं और जो बताऊं। और अगर जो वो लोग पूछते हैं कि पंच हिल्स के लिए कैसी रहेगी, तो मेरे हिसाब से 1.2 लीटर का इसमें इंजन आता है, इसमें आपको टर्बो नहीं मिलता, तो कभी कभी आपको वो पावर की कमी महसूस हो सकती है। बट उसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कार में कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको ना लें और आपको नहीं लेनी चाहिए पंच, आप इजीली पंच हिल्स में भी ले सकते हैं, और आपका हिल्स में अगर आपको ड्राइव करना है तो आप पंच को ड्राइव कर सकते हैं इसमें भी, बिकॉज आप देखोगे और भी बहुत सारी 1.2 लीटर कार आपको हिल्स एरिया में मिल जाती है ड्राइव चलते हुए। तो इसमें भी ऐसी कोई इशू नहीं है, कार आप ले सकते हो। और इसके अलावा गाइज, अगर कोई और क्वेश्चन और क्वेरीज हैं आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस जो हमने ट्रिप करी है, इस ट्रिप में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं पंच से रिलेटेड, उन वीडियोस में आपको कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसके आंसर दूंगा। एंड विल ट्राई कि आपके लिए और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम लाते रहें इस चैनल पर। आप जो सपोर्ट दे रहे हैं इस चैनल में, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। और इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।